आप सबों को यीशु सहाय। हमारे एनडब्ल्यू जीएल चर्च बहुत बड़ी मंडली के द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन गिरजाधना में आप सबों का स्वागत है। और आज का गिरजाधना हम शुरू करते ही साक्षी वाणी गीत नंबर 178 गाएंगे। ईश्वर का प्रेम और दया के संबंध में है। मैं प्रेम का गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रीष्ट में प्रकट आए। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रीष्ट में प्रकट है।
अपने पापों को घुटने टेककर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन तय से अपने सब पाप अपराधों को तेरे समक्ष मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पाठ वचन जो हमें मिलता है लुका रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुझ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक आमीन। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है दानियल के किताब 9 अध्याय पद संख्या 15 से 19 तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान दे कर, जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रीष्ट यीशु, हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यह कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया
कुमारे गर्भ से उत्पन्न हुआ, पातुष्लातुष्य उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन में तो जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दिनाथ बैठाए, जहाँ स्वर जीव तो और मृतकों का विचार करने को गिरा लेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, ये कि पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया पवित्रों के संगत पर पापों की क्षमा दे के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। मान ली बैठे, अभी हम लोग दूसरी बार साक्षी वाणी से गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 324। देखो तारे, सुनो गर्जन।
हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कि आपने सुंदर अवसर दिया और अब तक के समय लोग आपके समूह को जीते श्वास में रखा है, मंडली के भाई बहनों को भी और हर एक विश्वास मसीह भाई बहनों को भी जीते श्वास में रखा है, और ऐसे परिस्थिति में कोरोना की परिस्थिति में हम लोग सुरक्षा हम लोग को सुरक्षित रखा है, अद्भुत विषय पालन पोषण किया है, काम धाम में आशीष किया है और आज का विश्राम दिन हमें ले पहुँचाया है। पिता परमेश्वर जब भी हम लोग उपस्थित होते हैं इस जगह को पवित्र कीजिए और अपने पवित्र आत्मा संस्मरण का अगुवाई कीजिए कि अभी हम लोग जो भी आपका पवित्र वचन ठहराए गए प्रभु हम इसको सुनने और सीखने पाए और बोलने पाए। पिता परमेश्वर और हमारे जीवन के लिए आपका पवित्र वचन मार्गदर्शन होने पाए, हमारे हृदय में कष्टकर होने पाए, हमारे सारे पापों को क्षमा कर धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में सुंदर से ग्रहण कर आमीन। और वचन हमें इस प्रकार मिलता है जो उपदेश में ठहराया गया है पौलुस प्रेरित रोमी मंडली के लिए आप जो लिखते हैं जो रोमी 8 अध्याय है उसका 31 से 39 पद तक, और इस प्रकार वचन है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, परमेश्वर के चुने वो पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर वह है जो उनको धर्म ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जय वंशी पढ़कर खाए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानता ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी, आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई एवं बहनों, जो कि आज हम इस सप्ताह का जो नाम है उनका इस कारण हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ये 11वां सप्ताह है, और जबकि पौलुस प्रेरित हमें ये वचन दिया है कि परमेश्वर का वचन और इस वचन ऐसे समय में है ऐसे समय में लिखी गई है जब चेलों के ऊपर अत्यंत सताहट था, बहुत दुखदायी था और ऐसे संकटों के बीच में जो कि पौलुस जो कि अन्य अन्य जातियों के बीच प्रचार करते थे यूरोप में जाकर प्रचार करते थे, और यहाँ पर जो वचन दिए हैं और वो परमेश्वर की ओर से उनको मिलता है, जो यहाँ हम सुनते हैं कि सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है, और यहाँ जो कि परमेश्वर का प्रेम का विषय है कि कितना प्रेम है वो वर्णन पौलुस ने किया है, और आज वो प्रेम शब्द जो कि हमारे जीवन के लिए है एक सुंदर नमूना है, और आज हरेक के मन हृदय में प्रेम नहीं रहेगा, हम पर हमारे हृदय में परमेश्वर नहीं है, और प्रेम के लिए जो कि यहाँ परमेश्वर ऐसा प्रेम
मन नथिंग 16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने एक पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और जो विश्वास ना करे दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और इस प्रकार परमेश्वर का प्रेम का जो वर्णन यहाँ पर किए हैं कि यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर यदि हमारे संग में है, हमारी ओर में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम यहाँ पर देखते दुनियादारी में कि विरोधी कोर्ट कचहरी में विरोधी होता है, एक फोर में होता है, एक अगेंस्ट में होता है, और दोनों में लड़ाई होता है कचहरी में। और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति दोष कराकारी होती है, लेकिन यहाँ कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर जब है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। तो इसलिए कि आज वचन हमें कहता है कि हमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार कि इसी का विषय में जो हमें कहा गया है कि रोमी 4 का पहला पद में कहा गया है कि इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो बताया गया है इसी संबंधित संदर्भ में कि इब्राहिम का विश्वास को देखिए, वहाँ इब्राहिम इतना धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर पर इतना विश्वास करता था और इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को सुनता है। जब इब्राहिम जैसा व्यक्ति जो उनको कहा 100 साल में उनका बेटा उत्पन्न हुआ था और इशाक को बलिदान करने के लिए कहता है, और उसी प्रकार जो उत्पत्ति 22:13 में अगर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो इशाक को मोरिया पर बलिदान चढ़ाते हैं और परमेश्वर उनका विश्वास देख करके उनको एक मेढ़ा का उपाय करते हैं और उनको एक बलिदान करते हैं। तो इस प्रकार के परमेश्वर जो कि यहाँ पर जो दिया गया है कि जो परमेश्वर विश्वास करते हैं वो उनकी ओर परमेश्वर है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे वचन कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नाराज छोड़ा परंतु जो हमसे हम सबके लिए दे दिया वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा, जबकि दुनिया पाप में ग्रसित था और रास्ता जो अपने पास बुलाने के लिए जो विच्छेद हो गया था उसको जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मनुष्य के द्वारा एक काम नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार शैतान जो मनुष्य का विरोधी था, परमेश्वर का विरोधी था और उन्होंने पाप में गिरा दिया, और इस प्रकार शैतान को काम को कुचलने के लिए परमेश्वर अपने एक लौटे पुत्र यीशु मसीह को दुनिया भेजते हैं और उसके द्वारा जो कि इतना प्यार जिस प्रकार इब्राहिम का हम सुने कि अपने एक लौटे पुत्र को दे देता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। और इस प्रकार आज लेकिन बलिदान उसको देना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ परमेश्वर एक लौटे पुत्र को दे देता है कि दुनिया में उद्धार का काम करे। और इस प्रकार जब यीशु मसीह का जीवन को हम देखते हैं कि किस प्रकार उनको सुसमाचार प्रचार के काम करने में अपने भाइयों के बीच में यहूदियों के बीच में प्रचार करते हैं, वो जब नहीं सुनते तो अन्य जातियों के बीच में प्रचार करते हैं, और इस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं और वो यहाँ तक कि उनको घूस बलिदान होना पड़ता है। परमेश्वर का आज्ञाकर्ता होने के लिए यीशु मसीह को घूस बलिदान होना पड़ता है, लोहू बहाता है, मरता है, मरने पर मरना पड़ता है और 3 दिन में फिर जी उठता है, फिर स्वर्ग पर उठा लिया जाता है। और इस प्रकार आज एक सुंदर हमें नमूना दिया गया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार का काम करते हैं, वो हमारा यीशु मसीह हमारा सहायता करते हैं, उद्धार के द्वारा सहायता करते हैं और जिसके लिए हम सुरक्षित हैं। वचन आगे क्या कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा।
जाएगा, परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, कि आज यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा उद्धार है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे दंड के जुगत ठहराए। तो यहां पर जो कहा गया है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा, कि परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन है? पहला यीशु मसीह है जो परमेश्वर को दुनिया में भेजा था, दूसरा मसीह विश्वासी लोग हैं, तीसरा स्वर्गदूत है, और चौथा अन्य अन्य लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, उन लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और ये लोग को कोई दोष लगाने वाला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको सुरक्षा देते हैं। तो इस प्रकार कि आज वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, मसीह वह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है कि दंड। आज जब यीशु मसीह जो हमारे जीवन के लिए बलिदान हुए हैं और वो वही उनका अधिकार है हमको दंड देने के लिए, कौन लोग दंड पाएंगे? वही लोग जो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माने हैं, यीशु पर विश्वास नहीं किए हैं, जो न्याय का दिन में जो परमेश्वर आने वाले हैं उस समय में सत्य है। और हम जिस प्रकार हमारा जीवन रहेगा, हमारा विश्वासी रहेंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे, नहीं तो दंड के जो क्या ठहराया लगा, वही जो यीशु मसीह जो हमारे लिए ये क्रूस घातित हुए हैं, वही हमारा न्याय करेगा, वही हमारे पापों को जो उनके पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका दुख को नहीं देखते हैं, वो उनको दंड देगा। आगे वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। कि आज मसीह का प्रेम जो कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को प्रेम किया है और एक लोग ने उत्तर दिया है, आज हमारे जीवन के लिए हमको पाप सुधार करने के लिए कितना दुख सहना पड़ा है। और इस प्रकार कि आज अगर हम उसका प्रेम को नहीं पहचानते, जिस प्रकार मैंने कहा कि परमेश्वर का प्रेम जो प्रेम आज हमारे हृदय में नहीं है, अगर हम किसी से प्यार नहीं करते हैं, दिल से प्यार नहीं करते हैं, तो हमारा प्रेम कैसे रहेगा परमेश्वर से। तो इसलिए कहता है कि कौन उसे समझाया है कि हमारा जीवन मसीह जीवन कि ऐसे ऐसे घड़ी आएगी, जैसे आगे वचन में कहा गया है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। कहता है कि जैसा लिखा है, जब हम दूसरा क्रंथी 11 का 23 में देखते हैं, वहां अपना सुसमाचार प्रचार करने में किस प्रकार का जीवन बीता है, कि लिखा है वहां पर कि हम कितना संकट में, कितना भूख में, कितना प्यास में, जहाज कितना डूबने से, कितना जोखिमों से और कितना और कुछ तकलीफों से उपवास में, इस प्रकार मैंने सुसमाचार के लिए मैं किया और इस प्रकार मेरे जीवन में इतना बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, और जिसके लिए यहाँ पर कहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम से मुझे कौन अलग से कर सकता है। आज हमारे जीवन में भी इसी प्रकार तकलीफें शंका विपद क्लेश सब कुछ है, लेकिन इसी में रहते हुए हमको विश्वास में स्थिर रहना है, जिस प्रकार पौलुस के जीवन में था। और इस प्रकार की कहा गया है 36 पद में कहा है, जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने भेड़ों की नहीं गए हैं, जैसा बध किया जाता है, कुछ चुपचाप रहता है, उसी प्रकार यीशु मसीह का जीवन था। और इसी प्रकार पौलुस भी कहता है
इसी प्रकार पौलुस के जीवन भी इसी प्रकार था और आज हमारे जीवन में इसी प्रकार है कि हम लोग को ऐसा संकट विपत्ति है ही और सबको झेलने के साथ में हमको आगे बढ़ना है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत सारे रुकावटें हैं, जैसा शैतान ने उनको ठगा आदम हवा को जो कि पाप में गिरा देता है। आज हमारे जीवन में ऐसे ऐसे परीक्षा है जो कि हमारे जीवन को थोड़े थोड़े विपद में घटा जाते हैं, विश्वास हट जाते हैं और इस प्रकार हम हमारे जीवन व्यर्थ हो जाता है और हम दान के जो कट्ठा जाते हैं लेकिन अंत तक जो प्रवेश हो जाएगा वो हमें चल पाएगा। तो इस प्रकार यह कहा गया कि क्योंकि 38 पद में कहा है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानता ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना उच्च ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो इस प्रकार जबकि हमारे परमेश्वर हमारे ओर से और में है हमारी सहायता करते हैं तो हमको किस बात की डर है। तो आज उसी से डरना है जो शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है। ये दुनिया में हम देखते हैं कि लोग हमको शरीर में तड़ पाएंगे जिसके चेहरों के जीवन में हुआ था और नाना किसी के क्लेश और दुख देंगे, आज हमारे इसी प्रकार है। तो इस प्रकार लेकिन इससे डरना नहीं क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है और इस प्रकार जबकि उसी से डरो प्रभु करते हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकते हैं। और आप वचन कहता है जैसे कहा गया पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 का 57 में कहा गया है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आज हम यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में रहेगा शैतान का कोई शक्ति और पावर हमको गिरा नहीं सकेगी चाहे हमारे जीवन जितने बड़े परीक्षा क्यों ना। कि इस प्रकार यीशु मसीह ने आज हम हमको हमारे संग में रहा जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं हमारे हृदय में आ जाते हैं हमारे संग में खड़ा हो जाते हैं वो हम जान नहीं सकेंगे लेकिन हमको सुरक्षा प्रभु देते हैं और हम जयवंत करते हैं। जैसा यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं उसको क्रूस में चढ़ाया गया और वो शैतान संसार देखता है यीशु मसीह क्रूस में सूली में चढ़ा गया है और लोग सोचते हैं यीशु मसीह काम खत्म हो गया लेकिन यीशु मसीह जयवंत हो रहे हैं जीत रहे हैं शैतान के सूली में उछल रहे हैं। और इस प्रकार हम यह देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह का प्राण जाने के बावजूद वो किस प्रकार शैतान का उछल रहा है। उसी प्रकार हमारे जीवन में होना है कि जितना भी परीक्षा आती है हमको विश्वास में स्थिर रहना है। हम देखते हैं घमंड की तरफ जो कि सुसमाचार बच्चा हम लोग सुने वहां एक फरीसी का प्रार्थना और एक चुंगी लेने वाला का प्रार्थना वो दोनों जन का प्रार्थना एक धर्मी व्यक्ति और एक पापी मनुष्य वो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। वो फरीसी कहता है कि मैं हे पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मैं आपका इच्छा से काम करता हूँ मैं अपने दशमांश देता हूँ मैं इस चुंगी लेने वाले से मेरा मेरे बेचारी में नहीं मैं लोभ लालच नहीं करता हूँ सब कुछ करता हूँ और इस प्रकार कहता है और इतने लोगों को अंत कर देता है। लेकिन चुंगी लेने वाला क्या करता है अपने छाती पीट पीट कर कहता है अपने पापों को मान लेता है पछताव करता है कि ये पिता मुझ पापी पर दया कर बस एक शब्द कहता है। और आज वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये दूसरा व्यक्ति नहीं पर यही चुंगी वाला लेने वाला ही धर्म ठहराया जाता है। तो इस प्रकार वहाँ वचन कहा है प्रभु कह रहा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार घमंड को प्रभु घृणा करते हैं और इस प्रकार यीशु मसीह का जीवन को देखते हैं कि कितना अपने को शून्य कर दिया कितना उनको देखने लायक नहीं। दानियल वंश पुराना नियम में वो बंदीगृह में है
नबूकदनेज़र बाबुल के बंधुओं में सबको ले लिया है और वहां यरूशलेम के लिए इस्राएलियों के प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हे पिता, आज हमारा दुर्दशा को देख कि किस परिस्थिति में हमारा बाबुल बाबुल के बंधुओं में किस प्रकार का जीवन है, कितना दुखदायी है। आज हमको हमको जो कि आप हम लोग को मिश्र देश से छुड़ा कर लाए, बड़े बड़े काम किए और आज हमारा नाम धरे हो रहा है, आज यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। और इस प्रकार वे बहुत नम्रता के साथ में प्रभु को निवेदन करते हैं, हे पिता, हम लोग पापी जरूर हैं, पाप किए हैं और हमारे पुरखाओं ने पाप किया है और जिसके लिए ये दंड हमको मिल रहा है, लेकिन हे पिता परमेश्वर, आप दया हम पर दया कीजिए। और इस प्रकार और उनका प्रार्थना जो कि समय के अनुसार आप जानते हैं कि 70 वर्ष के बंधुओं के बाद में वो उनको परमेश्वर किस प्रकार छुड़ाता है। आज इसी प्रकार हमारे अपने जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है और ये दो चीज हमारे जीवन में कर काम करता है। अगर हम वचन में नहीं आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम निश्चय न करेंगे शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, जिस प्रकार हवा के जीवन में किया और अभी भी करता है जो ईश्वर का विरोध में चलते हैं। इसलिए हमको जानना है कि शासन को डरना नहीं है, उसी से डरना है जो हमको दंड दे सकता है। ईश्वर ऐसे वचन में बहुत ऐसा आशीष करें, आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कि आपने आपका पवित्र वचन जो आपने मेरे हृदय से अपने किया पिता परमेश्वर, और जो कि मन्नी के भाई बहने और जितने भी सुनने हारे को पिता पिता परमेश्वर आपने प्रकट किया है। पिता परमेश्वर आज सम्मुख में हमारा जीवन संकट में है, विपद क्लेश सब कुछ है और एक मसीह जीवन के अंदर और भी परीक्षा चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप जानते हैं जब आपके जीवन में ऐसा हुआ तो हम तो क्या है पिता परमेश्वर, और हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए और अपने पुत्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए कि हमारे जीवन गवाही में जीवन हो सके और हमारे द्वारा पिता परमेश्वर दूसरे आत्मा बचाए जाए। पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, हमारे सारे पापों को क्षमा कर धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में सुन ग्रहण के है, आमीन। और ईश्वर का शांति जो समझ ज्ञान सुबुद्ध है ख्रिस्त यीशु में हम लोग के हृदय और मन की रक्षा करेगी, आमीन। तीसरा गीत गाएंगे कुमरंडी से में से गीत नंबर 163। ये नहीं हो मापा
आगे उठे, हम लोग आखिरी प्रार्थना अंतिम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से पिता, हम तेरे विनती करते हैं कि अपने कृष्ण कलिशिया और उसके सारे सेवकों के अगुवाई के कि वे तेरे बचाने का निर्माण उद्देश्य में ठहरे, जिसे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिलाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राजकर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई के कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलिशा के बिशप, कलिशा के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलिशा सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत लुथेरान कलिशा और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम कृष्णीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के ज्यादा ही सामर्थ पावे। हमारे कलिशा के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलिशा के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलिशा के लिए आत्मिक लोग आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम, नौकरी व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभ आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगाल पर हो और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। कलिशिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार कार्यों में बाधा और विरोधी तत्वों को दूर कर दे ताकि जहां उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। फिर पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके तमाम आशीष के लिए और जो कि आज हमारे गिरिराधा में जो दान हम चढ़ाए हैं, मुक्ति दान, व्यक्तिगत दान, महिला संघ दान और घड़ा दान और जितने भी अन्य अन्य दान जो हमारे चढ़ाए प्रभु, इस दान को आपके सम्मुख में लाते हैं और इस दान को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और इस दान के द्वारा पिता परमेश्वर जो कि हमारा कलिशा चल रही है, सुसमाचार प्रकार प्रचार के काम होने पाए, राजनीतिक काम होने पाए और पिता परमेश्वर और इसके द्वारा हम आशीषित होने पाए। हम विशेष करके महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि प्रति साल घर दान के नाम में पैसों के रूप में देते हैं, चावल के रूप में देते हैं, उनको ऐसा वही करना कि इस दान को हिचकिचा पाए पर हर्षित मन से देने पाए और पिता परमेश्वर उनके परिवार में ऐसे दान देने के द्वारा किसी प्रकार के घटी टूटी ना होने पाए बल्कि और ही बरकत ले सके। पिता परमेश्वर हाँ हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अभी सारे जगत में कोरोना वायरस दिखाई नहीं दिया है, पिता परमेश्वर भयानक है और जो कि बहुत सारे प्रतिदिन के जीवन में प्रतिदिन में कितने लोग पिता परमेश्वर मर रहे हैं, पॉजिटिव कोरोना आ रही है। पिता परमेश्वर आप ही इन सही महामारी को दूर कर सकते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु नाम में इस महामारी दूर किया जाए और पिता परमेश्वर और इस और जितने भी और सब कुछ पिता परमेश्वर नॉर्मल होने सके और सब कुछ जितने भी गिरजा भाषा में बंद है सब खुलने पाए, बेरोजगार बढ़ गए हैं, रोजगार पा नहीं सके, बहुत सारे लोग कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सहायता करना और इसे बढ़कर अपना ज्योति हर एक के हृदय में चमकने पाए। हम विशेष करके हमारे मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे मंडली में मीना जो कि पिता परमेश्वर हाँ वो कोरोना वायरस का सिम्टम आई है, पिता
पिता परमेश्वर जिसके लिए पिता परमेश्वर पूरे परिवार चिंतित में है और पिता परमेश्वर और उनको जो एडमिट किया गया है क्वारंटाइन में है प्रभु इनके इनको इनके दौर में आशीष करना और यीशु नाम से गाय देना जो आपकी महिमा होने पाए। इसी प्रकार हमारे सेंटरों में भी हाँ विनोद एक्का के परिवार में वायरस फैली हुई है पिता परमेश्वर उन परिवार को पूरा पंचायत के लिए और सब को पिता परमेश्वर समय के अनुसार स्वस्थ जीवन दीजिए कि सभी सब के द्वारा की महिमा होने पाए। इसी प्रकार और भी तरह तरह के मंदिर में बीमार में रोग ग्रस्त में होंगे पिता परमेश्वर पड़ोसी परिवार में अशांति में जीवन बिता रहे पिता परमेश्वर हर एक को औषधि दीजिए यीशु नाम से गाई दीजिए कि आपकी महिमा होने पाए। जितने भी हमारे मंडली के भाई बहने अगल बगल जितने भी पिता परमेश्वर छोटे से बड़े बड़ों तक जितने बच्चे प्रभु शिक्षित पढ़ते हैं उनके शिक्षा में आशीष कर जितने काम धाम करते हैं वो उनके काम धाम में आशीष कर सब किसी का जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए पिता परमेश्वर। और भी जितने भी समस्या है पिता परमेश्वर सभी समस्याओं का पवित्र आत्मा में सौंप दिए हैं सब को सुलझाने वाला पिता परमेश्वर है। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों और दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वास करें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे सब मनुष्यों का दिन ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू स्वर्ग में आए तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में स्वीकृति पाती होगी हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और उनको परीक्षा में मत बच्चा क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है आमीन। आप विश्वास और दिन मन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को भूषण देवे आमीन। Jesus, I have.